माता का मूर्ति है, माला है, चुनरी है, बहुत सारे मेवा ये लोग भी लेना है। नवरात्रि का कल से प्रारंभ है, तो ये माला कलश पे चढ़ाने के लिए आप खरीदारी कर रही हैं? माता रानी को पहनाने के लिए। माता रानी को पहनाने के लिए, तो माता पे तो असली अड़हुल के फूल वगैरह भी चढ़ते हैं, तो वो कब चढ़ाएंगे? वो कल चढ़ाएंगे। बाजार पहले वाला बाजार नहीं है, बाजार में तो भीड़ पूरी दिख रही है फेस्टिवल सीजन, लेकिन उतना नहीं है, जो चाहिए सो नहीं है। असली फूल के दामों में, अड़हुल के फूल के दाम में क्या बदलाव आया? अड़हुल के फूलों में बदलाव आया है कि जो माला 20 रुपया था वो 30 रुपया हो जाएगा, जो 30 था वो 50 रुपया हो जाएगा, कल से रेट महंगा हो जाएगा। तो कल से दुर्गा पूजा आरम्भ है, तो आप अभी आर्टिफिशियल फूल देख रहे थे, तो वो सजावट के लिए? घर की सजावट के लिए लिया जाता है और माता पर भी चढ़ जाता है। माता पर चढ़ता आर्टिफिशियल फूल? हाँ हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुगर चुके फर्स्ट लुक बिहार, मैं सिजल आपके साथ। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कल कलश स्थापन है, जिसको लेकर बाजार में आप भीड़ देख सकते हैं, किस तरह से पूरा बाजार फेस्टिवल सीजन के कारण चहल पहल से भरा पड़ा है। दुकानों में लोग खरीदारी करते आपको नजर आएंगे, लोग चुनरी की खरीदारी माता को चढ़ाने के लिए चुनरी की खरीदारी कर रहे, फूल माला की खरीदारी कर रहे हैं। नवरात्रि कल से आरंभ है, जिसको लेकर असली फूल ले तो कल सुबह खरीदी जाएंगी, लेकिन नकली आर्टिफिशियल फूलों की बिक्री यहाँ बढ़ चढ़ कर हो रही है। गरीब स्थान रोड में यहाँ पर लोग खरीदारी करने आए, यहाँ मुकुट भी आपको देख सकते हैं कि माता पर मुकुट जो पहनाया जाता है मूर्ति पर, वो उसकी भी बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है मात्रा में। जहाँ जहाँ चौक चौराहों पर मूर्ति स्थापित की जाती है वहाँ पर मुकुट लगाया जाता है, उसकी भी दुकानों पर पूरी तरह से स्टोर फुल कर दिया जा चुका है मूर्ति पर चढ़ाने वाले मुकुटों से, नकली फूल आर्टिफिशियल फूलों मालों से, साथ ही साथ चुनरी पूरी तरह से आपको दिखेंगी, लोग खरीदारी करते चुनरी की खरीदारी करते दिखेंगे, क्योंकि मेनली नवरात्रि माता का पर्व है और माता पर चुनरी हर कोई चढ़ाता है, हर घर में लोग यहाँ पर चुनरी खरीदारी करते हैं। यहाँ मैम मौजूद, उनसे बात करेंगे। मैम, कल से नवरात्रि आरम्भ है, तो कल से माता की पूजा आप घर पर कलश स्थापन करती हैं? बिल्कुल करते हैं। तो उसके लिए खरीदारी आज पूरी हो चुकी है दसों दिन की माता की? अभी तो एक घंटे लगेंगे खरीदारी में। तो क्या क्या चीजें खरीद रही हैं इस बार माता की? माता का मूर्ति है, माला है, चुनरी है, बहुत सारे मेवा ये लोग भी लेना है। तो ऐसे अनदिना के मुकाबले बाकी चीज़ों के दाम भी बढ़ते हैं त्योहारों में, तो इस बार क्या दाम में कितना इजाफा हुआ है? इस बार एकदम ठीक ठाक है रेट, इस बार ठीक ठाक है, ठीक ठाक रेट। चुनरी और माला वगैरह सब चीज़ सब ठीक ठाक है, खरीदारी हो गई? हाँ मैम हो गई जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इधर आपको पीछे भी दिखाएंगे किस तरह से लोग यहाँ पीछे भी फूल माला की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर लोग पीछे देखे आएंगे कि किस तरह से लोग फूल माला की खरीदारी आज से कर रहे हैं, कल माता को चढ़ाने के लिए इधर लोग माला खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही साथ चुनरी की भी खरीदारी कर रहे हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि कल नवरात्रि का कल से प्रारंभ है, तो ये माला कलश पे चढ़ाने के लिए आप खरीदारी कर रही हैं? माता रानी को पहनाने के लिए। माता रानी को पहनाने के लिए, तो माता पे तो असली अड़हुल के फूल वगैरह भी चढ़ते हैं, तो वो कब चढ़ाएंगे? वो कल चढ़ाएंगे, कल खरीदारी हाँ। कीजिएगा उसका। और चुनरी वुनरी की खरीदारी हो चुकी है? हाँ हो चुकी है। हर साल के मुकाबले क्या दामों में कोई इजाफा हुआ है इस बार? नहीं, उसी सब टाइम पहले वाला दाम बाजार पहले वाला बाजार नहीं है। बाजार में तो भीड़ पूरी दिख रही है फेस्टिवल सीजन, लेकिन उतना नहीं है, जो चाहिए सो नहीं है। हर साल जितनी बिक्री होती है उस हिसाब से बिक्री नहीं हुई है कि इस बार? नहीं नहीं, इस बार नहीं हुई है। तो अभी कल सुबह भी बहुत लोग खरीदारी करने आएंगे, तो खरीदारी करें जोर शोर से, तो खरीदारी लोग करिए रहा, लेकिन पहले वाला बात नहीं है। पहले जो चलता था 3 दिन 4 दिन पहले, वो सब बात नहीं है इस बार। महंगाई का असर लग रहा है? महंगाई क्या असर रहेगा, क्या लोगों के पास पैसा नहीं है? अभी हम मुजफ्फरपुर के सबसे बड़े फूल सप्लायर शंकर चौधरी जी के पास बैठे, उनसे बात करेंगे कि कल से माँ अम्बे का दुर्गा पूजा शुरू होने वाला है, तो क्या रेट में बदलाव आया है फूलों को लेकर? असली फूल के साथ साथ नकली फूल के भी विक्रेता है, तो पहले तो असली फूल के दामों में, अड़हुल के फूल के दाम में क्या बदलाव आया है? अड़हुल के फूलों में बदलाव आया है कि जो माला 20 रुपया था वो 30 रुपया हो जाएगा, जो 30 था वो 50 रुपया हो जाएगा, कल से रेट महंगा हो जाएगा, क्योंकि ये जितना भी अड़हुल का फूल आ रहा है सब कलकत्ता से आ रहा है, यहाँ का अड़हुल सक्सेस नहीं है। यहाँ जो भी थोड़ा बहुत अड़हुल होता है वो रात में ही गायब हो जाता है,
लोग तोड़ लेते हैं पब्लिक लोग, इसलिए अरहुल का फूल जितना भी है सब कलकत्ता से मंगाया जाता है। और गेंदे का फूल का भी चढ़ावा होता है तो उसका क्या प्राइस रहेगा? गेंदा अभी 20-25 रुपया का रेट है, कल से हो सकता है 30 रुपया हो जाए। उसके बाद खष्टी से थोड़ा रेट और महंगा होगा। कमल का फूल का भी रेट 50 रुपया चल रहा है, कमल का भी डिमांड रहता है, कमल भी बाहर से आता है बेंगलोर से, उसका रेट इसलिए महंगा रहता है। तो षष्ठी के बाद से और ज़्यादा कितना टाइम रेंज हो सकता है? खष्टी को थोड़ा सा रेट महंगा हो जाएगा 10-5 रुपया और माला पे, ताकि सातवीं आठवीं नौवीं रेट रहेगा महंगा थोड़ा, वहाँ कलकत्ता से जैसे रेट आएगा वैसे यहाँ बिकेगा। तो यहाँ पर जितने जगह पंडाल लगते हैं तो उसमें नकली फूल की भी सजावटें होती है, तो उसका क्या अभी रेट चल रहा है? वो डेकोरेशन के हिसाब से होता है, 50,000 लाख 25,000 50,000 लाख 1.5 लाख, वो सब डेकोरेशन के हिसाब से मंदिर का डेकोरेशन होता है, इसलिए कि वहाँ डेकोरेशन में 4 दिन डेकोरेशन रहता है, तो असली फूल से सजाया जाएगा तो रह नहीं पाएगा, इसलिए आर्टिफिशियल से सजाया जाता है कि 4 दिन फूल सब टिके और खूबसूरत लगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फूल का रेट हमने बता दिया आज मार्केट में, और भी फलों की स्थिति, चुनरी की स्थिति क्या रहेगी आपको दिखाते चलेंगे। तो कल से दुर्गा पूजा आरंभ है, तो आप अभी आर्टिफिशियल फूल देख रहे थे तो वो सजावट के लिए? घर की सजावट के लिए लिया जाता है और माता पर भी चढ़ जाता है। माता पर चढ़ता आर्टिफिशियल फूल? हाँ हाँ। और कल से पूजा आरंभ है तो जो चुनरी की खरीदारी या फल वगैरह की खरीदारी सारी चीज़ें हो गई? हाँ, वो सब खरीदे हैं। हाँ, चुनरी माला की और एक ठो और माला खरीद रहे हैं कि से जैसे कि प्रतिमा में तो असली फूल चढ़ता है ना, और ये मूर्ति पर चढ़ा जाता है, जैसे शीशा का होता है ना उसी पर चढ़ता है। तो घर पे कल स्थापन घर पे होता है? हाँ हाँ, हम लोग कलशा रखते हैं घर पर भी और दुर्गा स्थान भी जाते हैं। और ये नवरात्रि 9 दिन की होती है जिसमें नौकन्या खिलाया जाता है, वो भी आप लोग घर पे करते हैं? हाँ हाँ, हम भी करते हैं। तो उसके लिए तो 9 चुनरी वगैरह लेना, वो सारी खरीदारी हो चुकी है? हाँ 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 हाँ, हुआ है, 9 चुनरी भी लिए हैं और साड़ी भी लिए हैं। बात किया और लोगों से, आपको दिखाया कि एक दिन पहले नवरात्रि से, एक दिन पहले कल स्थापन से, एक दिन पहले बाज़ार की क्या स्थिति है। भीड़ भड़ाका पूरी तरह से बाज़ार में हुआ पड़ा है, दुकानों पे लोग खरीदारी करते नज़र आ रहे हैं, चुनरी की खरीदारी, फूलों की खरीदारी, फलों और असली फूलों की खरीदारी। लोगों ने कहा है कि वो पूजे के सुबह में यानी कल प्रातः काल में करेंगे, क्योंकि भगवान को ताज़े फूल ही चढ़ाए जाते हैं। आर्टिफिशियल फूलों की खरीदारी करते लोग नज़र आए हैं, उसके साथ ही माला वगैरह की भी खरीदारी हो रही है। पंडाल भी सज सवर के तैयार है, माता के आगमन को लेकर सभी लोग एक्साइटेड नज़र आए हैं। इस खबर के लिए आज हम यही समापन करते हैं, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।